सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एमएस सोडा को और दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस सोडा और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे, जिनको अगर आप लोग अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर अगर उन्हें ऐड करोगे, अगर उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी अपनी हाइट को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी हाइट का ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हाइट को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी, आपकी हाइट में ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। एक चीज़ आप लोगों को फिर से मैं बता दूँ, हाइट जो होती है वो आपके जो जेनेटिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मेन चीज़ ये है। उसके बाद में आप जो ये सब चीज़ें हैं इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है। तो आप लोग इन जो चीज़ों को है ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एम एस सोडा पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर फर्स्ट के बारे में। नंबर फर्स्ट पर जो है हमारा वो है बैलेंस डाइट। डाइट भी बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को बता दूं डाइट जो है आपकी पूरी बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ जो होती है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा असर डालती है। अगर आपकी डाइट के अंदर गुड न्यूट्रिएंट्स होंगे, अच्छे फूड्स अगर आप लोग कंज्यूम करेंगे तो आपकी हाइट भी अच्छे तरीके से बढ़ सकती है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के वो भी सही तरीके से वर्क करते हैं। इसके अंदर आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं, आप प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, जो साबुत अनाज होता है उनको ऐड करें आप अपनी डाइट के अंदर, वो भी बहुत ही बेहतर है। और कुछ चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना है, आपको परहेज रखना है, वो ये है आप शुगर ना लें, कोशिश करें जो शक्कर है, मीठी चीज़ें जो होती है, मिठाइयाँ वगैरह जो भी बाहर की चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहें। उसके बाद में आप ट्रांस फैट हैं वो ना लें, और जो दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट उससे भी आप लोग दूर रहें, और गुड डाइट लें उससे भी आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर सेकंड के बारे में। नंबर सेकंड पर जो हमारा है वो है कैल्शियम और विटामिन डी। आप लोगों को बता दूं कैल्शियम आप लोगों को पता ही है बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी बॉन्स को मजबूत बनाने के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो विटामिन डी और कैल्शियम की आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आप लोग क्या करें, आप अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं विटामिन डी या कैल्शियम की, जो कि आपको आपकी हाइट को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आप इस सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में। अब हम बात करने वाले हैं नंबर थर्ड के बारे में। नंबर थर्ड पर जो हमारा है वो है अच्छी नींद। नींद बहुत ही ज़रूरी है आपकी ओवरऑल बॉडी को डेवलप करने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। नींद जब करते हैं तो आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन है, इस चीज़ को आप याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज होता है आप जब अच्छी नींद लेंगे तभी। जब आप अच्छी नींद लेंगे तभी आपकी जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से वर्क करते हैं। जब आप अपनी जो बॉडी को अच्छी तरीके से रेस्ट देंगे, रिलैक्स करेंगे, तभी आपकी बॉडी के जो सही तरीके से ऑर्गन सभी वर्क करते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें, आप अच्छी नींद ज़रूर लें। आज के टाइम के अंदर लोग बहुत ही कम नींद लेते हैं, 5 से 6 घंटे नींद लेते हैं, जिसके कारण जो उनकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो रुक जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, फालतू का मोबाइल ना चलाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, रात को समय पर सोएं और अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जिए, नींद को ज़रूर ऐड करें। मिनिमम आप कम से कम 7 से 8 घंटे दिन में ज़रूर सोएं, जिससे आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन सही तरीके से होगा, इससे भी आपकी हाइट अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर फोर के बारे में। नंबर फोर पर जो हमारा है वो है आपको एक्टिव रहना है एनी वक्त। आपको एक्टिव का मतलब ये होता है आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मिनिमम आप 30 मिनट तक ज़रूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के अंदर आप जो रोप होती है वो कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, पुशअप, पुलअप, इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज है उनको ज़रूर ऐड करें, जिससे भी आपकी बॉडी का विकास होगा, आपकी हाइट बढ़ने में बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे हाइट बढ़ने के। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज को अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। कम से कम मिनिमम आप
30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। जो भी एक्सरसाइज होती है, जो एक्टिविटीज होती है एक्सरसाइज की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसके बाद में अगर आप लोग रोप लगाते हैं, जंपिंग रोप, वो लगा सकते हैं, और कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो हाइट बढ़ने के बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होडा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सब चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल के अंदर अगर ऐड करेंगे तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस है, आपकी हाइट का ग्रोथ होने के चांसेस है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया आप जो अपनी डाइट सही तरीके से रखें, आप सही तरीके से प्रॉपर नींद लें, और उसके बाद में एक्टिव लाइफ स्टाइल, ये जिसका मतलब है आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।